हेलो, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल सारिया नू, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो सुबह के बज चुके हैं 8 और मैं नहा धो के हो गई हूँ तैयार। आज मैं जा रही हूँ रेलवे स्टेशन न्यू दिल्ली, क्योंकि आज जो प्रिया चौधरी है मेरी बिटिया, तो उनका हो गया है सिलेक्शन आज शाम में केंद्रीय विद्यालय में म्यूजिक की टीचर के लिए। तो उनको छोड़ने के लिए जा रहे हैं हम न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो दिखाती हूँ और आगे मैं जा रही हूँ प्रिया के घर पर, उसी समय में पहुँचने वाली हूँ। मिलाती हूँ मैं आपको प्रिया से भी। One eternity later. Good morning. नमस्ते। ये चल रही है अभी तैयारियां है क्या? नहीं दिखाना? दिखाना कोई नहीं, ऐसी होता है। बिटिया की तैयारी चल रही है जाने की, तो ये भाई साहब लगे हैं कचौड़ियां तलने। ये मैडम है हमारी फ्रेंड, बिटिया की मम्मी। और ये है प्रिया चौधरी। अभी देखो तैयारी चल रही है। चलो तुम तैयार हो, मैं कराती हूँ हेल्प, ठीक है? मेरा टीका हो रहा है। प्रिया का तिलक लगाया जा रहा है जाने के लिए शगुन। आज हमारी बिटिया की विदाई हो रही है जॉब करने के लिए। आज शाम के लिए रवाना है। अब हाँ, तो तुम क्या दोगे? तुम नहीं दोगे कुछ भी? हाँ पहन रहे, ठीक है। अब मैं खिला देती हूँ। अपनी दादी से मिल रही हैं, दादी माँ से। फिर आऊंगी मैं, अच्छा। डेली फोन करूंगी तुझे, अच्छा ठीक है मेरी बेबे। बेबे की प्यारी पोती और पोती की प्यारी बेबे। परेशान ना होइए बिल्कुल भी अब। चलो बस, सब परेशान नहीं होंगी। आशीर्वाद आशीर्वाद दे दो। हाँ आराम से रहिए। कैब फोन करूंगी मैं, कैब आ गई है, ठीक है चल आराम कर ले। आओ तेरे सैंपल बनवा के लाऊंगी। ओह बेबे के लिए सैंपल की बुकिंग हो गई है। पायल और क्या? और क्या? चैन। अच्छी हाँ, चलो माथा टेक लो। माथा टेक भगवान को। मेरा बैग कहाँ है? रखो सामान। ये सामान रखा जा रहा है। सामान भी काफी हो गया है, क्योंकि काफी दिनों के लिए जाना पड़ रहा है और जाना भी दूर है। थोड़ा सा यही अफसोस है कि पोस्टिंग प्रिया की बहुत दूर हुई है आसाम में, पर कोई नहीं, 3 साल के बाद नजदीक बुला लेंगे। दिल्ली तक पीछा नहीं छोड़ेंगे प्रिया को, कभी वापिस आ जाए। और फिर बाद में वहाँ भी आना है। हाँ आसाम भी जाना है, क्योंकि जल्दी से फिर घर नहीं आ जाए। लंबा घूमने के लिए, लंबे टाइम के लिए सोच के आना। बिल्कुल। तो इसलिए हम जा रहे हैं दिल्ली बैठाने के लिए,
क्योंकि वापिस आ जाए फिर, इसलिए अच्छा नहीं है, जो करनी जरूरी है। नोट भी देखने हैं हमें, करारे करारे नौकरी, देखो नौकरी नहीं छोड़ने तो नोट गिनने हैं। जरूर मौत किस्मत वाले हो, किससे मिलती है ये जॉब। बंदे के मेहनत के आगे तो मैं कुछ नहीं समझती। खैर ये गुड़िया है, इतनी मेहनत करके दिखा दी और कुछ दिनों में, पहले सोचा भी नहीं मैं गवर्नमेंट जॉब करूंगी, सिर्फ अपनी एकेडमी चलानी है, यही था ना पहले, यहाँ तक था कि एकेडमी चलाऊंगी, आसपास के कहीं कॉलेज में जॉब कर लेंगे। लेकिन मेहनत ने ये कुछ करके दिखा दिया कि आसाम जाना पड़ा। केंद्रीय विद्यालय का स्कूल संभालना है, वहाँ के बच्चों को भी कुछ सिखाना है और उसके बाद फिर वापस दिल्ली आना है। बस वाहेगुरु एक काम और कर दें आगे के लिए कि दिल्ली में हमारा सिलेक्शन हो जाए तो उधर से छुट्टी ट्रांसफर हो जाएगा। तो मिलते हैं स्टेशन पर पहुँचने के बाद। गए हैं हम न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, अब जा रहे हैं हम 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर, वहीं पर ट्रेन आएगी। डिब्रूगढ़ इंतजार कर रहे हैं ट्रेन का, इकट्ठे बैठने के लिए, इंजॉय करने के लिए सीट पे नहीं भी बैठ पा रहे हैं। यहाँ सब लोग हैं, हमारा सामान रखा है। अब देखो इस टाइम आती है, अभी 25 मिनट है ट्रेन आने में, 10 मिनट पहले आ गई। डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस का वही ट्रेन है ये, हाँ जी यही है राजधानी एक्सप्रेस, यही है डिब्रूगढ़, हाँ न्यू दिल्ली ट्रेन आ चुकी है। तो बढ़िया हमारी बेटिया, तो लास्ट समय जाने का नंबर आ रहा है, ट्रेन भी आ चुकी है 3 महीने बाद, आपको दिखाया 3 महीने बाद आई। और चलो जहाँ भी रहो खुशी से रहो, वाहेगुरु अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो अब रखवाते हैं सामान हम। A few moments later. हाँ जी, तो हमने बैठा दिया है प्रिया और प्रिया के पापा को ट्रेन में, सारा सामान रखवा चुके हैं और अब हम जा रहे हैं दोनों वापिस घर, गाजियाबाद। देखो अब बाद में करते हैं रास्ते में कोचिंग, तो कॉल करके पूछते रहेंगे बीच बीच में, क्योंकि आसाम काफ़ी दूर है। ये पहुँचेंगी आज का दिन और आज की रात लग जाएगी, कल पूरा दिन लग जाएगा और रात में 11:30 से 12 भी बज सकते हैं कैंपस पहुँचने में। बाय बाय। बाय बाय। चल गई ट्रेन हमारी, प्रिया चली गई आसाम। हम खड़े हैं कश्मीरी गेट और कर रहे हैं शहीदी स्थल गाजियाबाद मेट्रो का इंतजार। ये जा रही है दिल्ली, आने वाली है मेट्रो स्टेशन, मेट्रो भी हर 3-4 मिनट में मेट्रो आने के बाद भी देख सकते हैं आप कितनी भीड़ है। ये कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर काफ़ी भीड़ है।
ये देख सकते हो आप, ये हमारी बहन जी माला जप रही हैं, कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा। ये आ गई है शहीदी स्थल की मेट्रो, बैठते हैं हम। ये भी दिलसाद गार्डन की है, गाजियाबाद वाली ये भी नहीं है, ये भी दिलसाद गार्डन रुकेगी, तो इसलिए हम इसमें नहीं बैठेंगे और करते हैं दूसरी मेट्रो का इंतजार। A few moments later. अब कहाँ की है ये शहीदी स्थल देव गाजियाबाद, अब आगे काफी इंतजार करने के बाद चलो बैठते हैं हम लोग इसमें। आज ही तो हम पहुंच गए शहीदी स्थल देव गाजियाबाद मेट्रो स्टेशन पर। अब इस ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पर एंड। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। ओके बाय।